असलम दोस्तों दिस इज़ सोना अहमद तो फ्रेंड इनशाला आज की स्पीड में आपको शेयर करने वाला हूँ कि भाई आप लोग अपने जैस कैश की जो है ना वो एक महीने से लेकर एक साल तक की जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं भाई अगर आप लोग अपने जैस कैश में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि लास्ट दस दिन की ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप लोग देख सकते हो और इस हिस्ट्री के अंदर भी आपको ये नहीं बताया जाता है कि भाई यहाँ पे आपके जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे तो आपके पास बकाया कितने पैसे रह गए थे ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं बताई जाती हैं लेकिन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई आप लोग अपनी एक महीने से लेकर एक साल तक की मुकम्मल हिस्ट्री किसको पैसे भेजे कहाँ पैसे भेजे कितने पैसे आपके बकाया रह गए ये तमाम चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं घर बैठे सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोग चेक कर सकते हैं जब चाहे आप लोग बासानी इसको चेक कर सकते हो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स आपने यहाँ पर आना है और अपने जैस कैश को ओपन करना है और इसको आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है तो यहाँ पर जैस कैश को मैंने ओपन और लॉगिन कर लिया हुआ है जैस कैश के मेन पेज पे आपने आना है और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना होता है हम लोग इस माई अकाउंट पर हम लोग क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं हमारे पास हमारा जो अकाउंट है उसका मेन्यू ओपन हो जाता है हिस्ट्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास जो आपकी टेन डेज़ की हिस्ट्री है ना वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाती है अब आप इससे ज़्यादा हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा है साइन ऑफ एक्सलेमेशन का इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लास्ट ट्रांजेक्शन विल बी अपडेटेड विद इन अ टू आवर्स मतलब आप लोग अभी अगर हिस्ट्री चेक कर रहे हो तो जो आप लोगों ने अभी ट्रांजेक्शन की है ना वो यहाँ पर दो घंटे के बाद ऐड होती है वो आप अभी चेक नहीं कर सकते उसके लिए आपको दो घंटे वेट करना पड़ेगा फिर आप यहाँ पर चेक करेंगे और लास्ट ट्वेंटी ट्रांजेक्शन विल बी शो इन द सेक्शन तो लास्ट बीस जो ट्रांज़ेक्शन है वो आपको उसी सेक्शन में शो हो जाती हैं और फ्रॉम मोर ट्रांजेक्शन आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो मतलब कि जो ट्रांजेक्शन आपने अभी की है वो दो घंटे बाद अपडेट होगी बीस ट्रांजेक्शन लास्ट देखनी है तो वो आपको वैसे शो हो रही हैं उससे ज़्यादा देखनी है तो आपने इसको इस्तेमाल करना है आपने क्या करना है आप लोग यहाँ पर आके सर्च करोगे कि कहाँ से आप लोग जो है वो हिस्ट्री देखना चाहते हो तो यहाँ मैं क्या करूँगा यहाँ पर हम लोग पिछले साल में आ जाते हैं ठीक है एग्जाम्पल के लिए जैसे मई में आ गए लास्ट ईयर के जून में आ गए जुलाई में आ गए ठीक है यहाँ पर हम लोग अगस्त में आगे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको जैसे फर्स्ट अगस्त से मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी फ़र्स्ट अगस्त से मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है और जुलाई की मुझे देखनी है टेंथ तक मुझे ट्रांज़ेक्शन हिस्ट्री देखनी है आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो एक हफ़्ता एक महीना एक साल कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर जनरेट स्टेटमेंट नज़र आ रहा है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर अपना एक ई एड्रेस इंटर करना है इस काम को करने के लिए तो यहाँ पर वो कह रहा है ऐड ई एड्रेस आप लोग एंटर करें अगर आप लोगों ने पहले से ई एड्रेस ऐड किया हुआ है तो फिर आपको ये एरर नहीं आएगा मैंने ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर ऐड ई एड्रेस पर इंटर करेंगे मैंने इसलिए ऐड नहीं किया ताकि मैं आप लोगों को साथ समझा सकूँगी कि आपने क्या करना है यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने अपना एक ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे इंटर करना है ठीक है ईमेल एड्रेस आपने इंटर कर दिया उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया वो कह रहा है कि भाई जनरेटिंग स्टेटमेंट योर स्टेटमेंट विल बी सेंड टू दिस ई यानी कि हमारा ई भी उनके पास सेफ हो गया और हमारी जो स्टेटमेंट थी उसको जनरेट करके उन्होंने सेंड कर दिया डन पे आप लोगों ने क्लिक करना है आप लोग वापस आ गए हो हमारे जैस कैश ऊपर वापस आ गए अब फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों को इनकी तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी आपके जीमेल के ऊपर हम अपने जीमेल को ओपन करेंगे और ओपन करते ही फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं भाई मुझे इनकी तरफ से एक ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी हुई है अकाउंट स्टेटमेंट की आप लोग देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि भाई ये आपका नाम और ये दिस 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 है ये आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक आपको आ चुका हुआ है थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है एक पी फाइल इस पी फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स इसको आप लोग ओपन करेंगे किसी के साथ भी ओपन कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि भाई आपकी तमाम हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो कर दी गई है जितनी आप लोगों ने एक साल की हिस्ट्री निकाली थी एक महीने की हिस्ट्री निकाली थी जो भी आप लोगों ने हिस्ट्री निकाली थी वो तमाम हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो कर दी गई है तमाम की तमाम हिस्ट्री आपको शो की गई है इसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई डेट टाइम बताया जा रहा है कि किस डेट पे आप लोगों ने ट्रांजैक्शन की थी आपको आगे वो नंबर बताया जा रहा है आपका ट्रांजैक्शन आईडी बताया जा रहा है ट्रांज़ेक्शन टाइप बताई जा रही है कि भाई आपने क्या किया था पैसे ट्रांसफ़र किए थे चैनल बताया जा रहा है कि किसके थ्रू किए थे आपने जैस कैश ऐप के ज़रिए किए थे आपने उसकी स्ट्रिंग के ज़रिए किए थे कैसे किए थे बताया जा रहा है फिर आपको बताया जा रहा है कि ट्रांजेक्शन की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि किस पर आप लोगों ने किए थे उसके बाद में जी आपको बताया जा रहा है अमाउंट जो है वो डेबिट बताई जा रही है यानी कि आप लोगों ने पैसे किसी को ट्रांसफ़र किए हैं आप लोगों ने बिल पे किया कुछ भी किया वो आपके डेबिट में बताया जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्रेडिट बताया जा रहा है कि किसने आपको कितने पैसे भेजे थे और यहाँ पर आपका रिमेनिंग बैलेंस तक बताया जा रहा है कि ये पैसे आपको आए थे तो ये आपका बैलेंस था ये पैसे आपको आए थे तो ये आपका बैलेंस था हर एक डिटेल्ड आपको यहाँ पर बताई जा रही है और अगर आप लोग बिल्कुल नीचे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे पेजेस आपकी ट्रांजेक्शन की जारी बात है आप लोगों ने जितनी ट्रांजेक्शन की होंगी एक महीने में वो सारी शो की जा रही है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि टोटल अमाउंट कितनी आप लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल की है अभी आपके पास क्या बैलेंस है और कितनी अमाउंट आपने एक साल के अंदर इस्तेमाल किया है कितनी डेबिट की है कितनी क्रेडिट की है हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ आपको शो की जा रही है तो फ्रेंड इस तरह बासानी आप लोग अपनी एक साल की जैज कैश की जो हिस्ट्री है उसको फुल डिटेल्ड में आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और इससे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे शेयर की जा सके तो यार दुआओं में याद रखिएगा असल